दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की इस वीडियो को जो भी भक्त सच्चे हृदय से सच्चे दिल से लाइक करेगा और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण राधा रानी लिखेगा, उसकी समस्त मनोकामना भगवान श्री कृष्ण पूरी अवश्य करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर ले आए ये एक चीज, जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव भाद्रपद माह के कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि को हुआ था। इस शुभ तिथि को भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसे जन्माष्टमी भी कहा जाता है। जन्म अष्टमी भारत के हर कोने कोने में बड़े उत्सव के साथ मनाते हैं। इस पर्व को विदेशों में भी रहने वाले हिंदू भाई नागरिक बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से पूजा व्रत आदि करने से भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और वहीं अगर जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष है, बाला रिष्ट योग है, चंद्रमा कमजोर है, तो उनके लिए ये व्रत बहुत ही शुभ और उत्तम फायदेमंद होता है। संतान प्राप्ति के लिए भी जन्म अष्टमी का व्रत रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। माना जाता है कि जो भी स्त्री जन्म अष्टमी के दिन भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाती हैं तो उसके शीघ्र ही विवाह के योग बन जाते हैं और संतान होने में विलंब नहीं होता। ऐसे में जन्म अष्टमी का व्रत अवश्य रखें, शीघ्र ही सारे काम बन जाते हैं। दोस्तों, जन्म अष्टमी की पूजा मध्य रात्रि में की जाती है, इसीलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का 5251वां जन्म उत्सव मनाया जाएगा। दोस्तों, जन्माष्टमी 2024 पूजा का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात्रि 11:57 से रात्रि 12:45 के बीच में जन्माष्टमी की पूजा की जाएगी। आपको बता दें कि कान्हा का जन्म रोहिणी नक्षत्र मध्य रात्रि में हुआ था, तो इस दिन 26 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र में आप यानी कि पूजा पाठ करके और जन्मोत्सव मनाएं और इसका जो समापन होगा वो 27 अगस्त को होगा। इसकी शुरुआत होगी जन्म अष्टमी की, भाद्रपद मास के कृष्ण जन्माष्टमी की शुरुआत 26 अगस्त को रात्रि 3:02 से और इसका समापन होगा 27 अगस्त को रात्रि 1:55 पे। दोस्तों, चूंकि रात्र में पूजा की जाती है इसलिए रात्र में ही यानी कि पूजा पाठ और जन्म उत्सव मनाया जाएगा। दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय के लोग ज्येष्ठमी की तिथि, आपको बता दें कि गृहस्थ और वैष्णव दो संप्रदाय होते हैं, अलग अलग दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। ऐसे में 26 अगस्त 2024 को गृहस्थ जीवन के लोग और 27 सितंबर 2024 को वैष्णव संप्रदाय के लोग कान्हा का जन्म उत्सव मना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त, राधा रानी के सच्चे भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तुरंत कर दें। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे रानी अवश्य लिख दें। दोस्तों, जन्म अष्टमी के व्रत से पहले रात को हल्का भोजन करना चाहिए और अगले दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उपवास के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर साफ वस्त्र पहनना चाहिए। उसके पश्चात भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात भगवान कृष्ण को माखन मिश्री और नारियल के बने मिठाई का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, रात्रि 12 बजे भगवान लड्डू गोपाल का जन्म उत्सव होगा। इसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उनको नए वस्त्र पहनाएं और उनको अच्छे से श्रृंगार करें। भगवान को चंदन से तिलक करें और उनके भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य मिलाएं। भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा में जब तक तुलसी का पत्ता शामिल ना हो तब तक व्रत हमेशा अधूरा ही रहता है। इसके बाद आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न तुलसी का पत्ता रखकर कर सकते हैं। तुलसी के बगैर जन्माष्टमी का पर्व हमेशा अधूरा ही होता है। दोस्तों, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कहकर भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं। इसके पश्चात भगवान कृष्ण की शुद्ध देशी घी की दीपक और धूप बत्ती से आरती करें। दोस्तों, जन्म अष्टमी की पूजा में भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ही अहम माना जाता है। आज हम आपको इस दिन ऐसी वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिसे लाने से लड्डू गोपाल
जो कि बहुत ही प्रिय और उनकी कृपा प्राप्त होगी। असीम कृपा भगवान श्री कृष्ण जी की प्राप्त होती है तथा माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो जन्माष्टमी आने से पहले जन्माष्टमी के दिन इस चीज़ को अवश्य घर लेकर आएं। अगर आप ये वस्तुएं अपने घर लेकर आते हैं तो फिर आपके घर में भगवान श्री कृष्ण जी का निश्चित ही वास होगा, माता लक्ष्मी जी का वास होगा। दोस्तों, भगवान लड्डू गोपाल को सबसे प्रिय चीज़ है मोर का पंख। कहा जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन राधा रानी के महल में बहुत मोर हुआ करते थे, जब गोपाल श्री कृष्ण जी को बांसुरी के धुन पर नृत्य करते और उनके साथ मोर भी नाचा करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख जमीन पर गिर गया, जिसे तुरंत उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर सजा लिया। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर सजा मोर पंख राधा रानी के प्रेम की निशानी मानी जाती है, इसलिए भगवान लड्डू गोपाल को जन्म उत्सव की पूजा में मोर पंख से उनकी हवा किए जाने की चलन है। इसलिए जन्माष्टमी पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार देवी राधा हर दिन घर के मंदिर के पास मोरों को दाना देने लग जाती थी। एक बार जब देवी राधा वहां पहुंची तो वहां पर एक भी मोर नहीं था। राधा रानी उदास हो गई। कान्हा ने देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं मोर का रूप धारण कर लिया और वहां पहुंच गए। राधा रानी कान्हा का ये रूप देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। दोस्तों, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के दिन पूजा में मोर पंख अवश्य ही शामिल करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख से बुरी आत्माएं पास नहीं आती हैं और मोर पंख को भगवान लड्डू गोपाल ने अपने मुकुट पर स्थान दिया था तथा सम्मान दिया था। वस्तु के अनुसार मोर पंख घर से अनेक प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है। मोर पंख अपने घर में लाएं और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति करवाता है और खींचता है। मोर पंख मोर के बाजू के अलावा होने के बाद भी जीवित रहता है, तभी तो इसका सकारात्मक असर यानी कि अपना काम तेजी से करता है। दोस्तों, दूसरी चीज़ है बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण जी की पहचान यानी कि बांसुरी है, जैसे श्री रामचंद्र जी की पहचान धनुष है। तो लड्डू गोपाल को बंसी, भगवान गोपाल को बंसी जरूर लेकर आए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन और उनको उनके पूजा स्थान पर स्थापित कर दें। इससे भगवान श्री कृष्ण खींचे चले आते हैं, ये प्रेम का प्रतीक है। बाल कृष्ण गोपियों के साथ बंसी बजाकर रास रचते थे और सृष्टि के प्रेम का संचार करते थे। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के श्रृंगार की सामग्री में बांसुरी को शामिल करने से गृहस्थ के प्रेम और आनंद आता है। भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने के साथ आप अपने घर में बांसुरी को अवश्य ही लाएं। दोस्तों, माना जाता है कि जहां कहीं भी वास्तु दोष हो वहां बांसुरी लगाने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। और ध्यान रखिएगा कि बांसुरी कभी भी सीधी नहीं लगानी चाहिए, इससे हमेशा तिरछा लगाने से लाभ मिलता है। साथ ही बांसुरी का मुख हमेशा नीचे रहना चाहिए। इसके अलावा अगर दाम्पत्य जीवन में तनाव या फिर कलहपूर्ण वातावरण रहता है तो सिरहाने में बांसुरी रखकर सोने में बहुत अधिक लाभ मिलता है। दोस्तों, मोर मुकुट, ज्योतिषी गणना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी की कुंडली में काल सर्प योग था, इसलिए सदैव अपने मुकुट में मोर पंख हमेशा धारण करते थे और शूर यानी कि भीषण शत्रुता अगर है जिनके जीवन में किसी के साथ, तो उन्हें अगर मोर मुकुट अपने घर में रख लें तो इससे सारी विपदाएं दूर होती है, काल सर्प दोष दूर हो जाता है। भगवान की पूजा में उन्हें मोर मुकुट पहनाने से काल सर्प दोष का प्रभाव दूर होता है, शत्रु भय खाने लगते हैं। दोस्तों, माखन मिश्री चौथी चीज है। नंद के लाल गोपाल को माखन अतिप्रिय कहते हैं। जिस रात लड्डू गोपाल का जन्म हुआ उस रात नंद गांव की गोपियों ने सपने में देखा था कि लड्डू गोपाल माखन का यानी कि माखन मांग रहे हैं। नंदलाल को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है, इसलिए आप माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं और माखन मिश्री का इस दिन आप प्रेम पूर्वक खा भी सकते हैं। बहुत ही शुभ और उत्तम फलदायी माना जाता है, सभी इच्छाओं को पूर्ति करता है। तो माखन मिश्री आप लेकर आएं और इसे प्रसाद के रूप में पूरे घर परिवार के साथ जरूर खाएं। साथ ही दोस्तों, केले की जड़। जन्माष्टमी के दिन केले की जड़ को आप एक पीले कपड़े में लपेट कर आप अपने धन के स्थान पर रख दें तो धन की कमी नहीं होती है।
भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा बरसती है, माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है और आप हमेशा खुशहाल धनवान बने रहते हैं। केले के पेड़ में भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण जी का स्वयं वास माना जाता है। तो जन्माष्टमी के दिन केले के पेड़ की जड़ जरूर लेकर आए, इसमें हल्दी का टीका लगा दें, पीले कपड़े में लपेट कर रख दें धन के स्थान पे। दोस्तों कदंब के पेड़ की जड़ भी जरूर लेकर आए, साथ ही गुलर की अगर जड़ मिल जाए। गुलर का पौधा आपने देखा होगा, गुलर के पेड़ का पौधा आप हमारे वीडियो में देख लीजिए, आप इसकी जड़ लेकर आए और जन्माष्टमी के दिन अपने धन के स्थान पर रख दें या पूजा स्थान पर रख दें, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, धन हमेशा खींचा चलाएगा। तो इसे लेकर आए गुलर की जड़ और अपने धन के स्थान पर इसे स्थापित कर दें या फिर आप इसे पूजा स्थान पर स्थापित कर दें, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा हमेशा बरसती रहेगी और धन में बरकत होगी, हमेशा कृपा होगी। दोस्तों गुलर की जड़ बहुत ही यानी कि पवित्र मानी गई है, धन को आकर्षित करती है, खींचती है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन गुलर की जड़ जरूर लेकर आएं या फिर केले की जड़ जरूर लेकर आएं, या फिर आप चाहें तो गाय की मूर्ति चांदी की बनवा लें या पीतल की बनवा लें और आप इसे जन्माष्टमी के दिन अपने घर पर लेकर आएं, पूजा स्थान पर स्थापित कर दें, तो समस्त देवी देवताओं की कृपा बरसती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण।